पांच बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद कभी थाने मत जाना। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसलिए बवाल है। जितना बड़ा सूबा है उतना ही हंगामा है। हर दल योगी को घेरने में लगा है और योगी महाराज जो है वो को अपना ऐसा जतन कर रहे हैं कि किसी तरीके से दोबारा सत्ता में पार्टी आ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जब एक कार्यक्रम में नमूदार हुए थे तो उन्होंने योगी की खूब तारीफ की थी कि किस तरीके से माफियाओं की छाती पर बैठ करके उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारी है। माफिया पानी मांग रहे हैं, अपराधी भाग रहे हैं, कानून व्यवस्था को उन्होंने चुस्त दुरुस्त कर दिया है, स्थिति बदल गई है। कितनी स्थिति बदली है ये तो विरोधी खैर नहीं मानेंगे, लेकिन उनके पार्टी के नेता भी नहीं मान रहे हैं। अभी तक उत्तराखंड की राज्यपाल थी और अब पार्टी के जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है बेबी रानी मौर्य। वो बनारस में एक कार्यक्रम में गई थी, वहाँ पे उन्होंने महिलाओं को सलाह दे डाली कि 5 बजे के बाद थाने ना जाए। बेशक वहाँ पे एक महिला अधिकारी सब इंस्पेक्टर होती है, लेकिन वहाँ शाम को ना जाए, जब भी जरूरत हो तो सुबह जाए और अपने भाई और किसी पुरुष के साथ में जाए। सुनिए वो क्या कह रही हैं। के नाम से एक महिला अधिकारी एक सब इंस्पेक्टर वहाँ बैठती है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, 5 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद कभी थाने मत जाना। फिर अगले दिन सुबह जाना, जाओ तो अपने घर से किसी भाई को, अपने पति को या अपने पिता को साथ लेके जाना अगर जरूरी हो तो। लेकिन महिलाओं के लिए ये काम हुआ है। आप लोगों को इतना कहना था कि विपक्षियों को मौका और मुद्दा चाहिए, इसे लपक लिया और कहे कि ये योगी जी का शासन और प्रशासन है, जहां उनकी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कह रही हैं कि महिलाओं को 5:30 बजे के बाद थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। होशियार रहें, सतर्क रहें, वो नसीहत दे रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में थानों की स्थिति खराब है? थानों की ही क्यों बात करें, जो भी सरकारी दफ्तर है उसी की स्थिति खराब है। कोई भी राजनीतिक दल आए, चाहे समाजवादी पार्टी आए, बहुजन समाज पार्टी आए, कांग्रेस आ जाए या भारतीय जनता पार्टी हो, यदि शासकीय व्यवस्था जो है उसमें कोई खास सुधार नहीं है, चाहे पुलिस हो, अस्पताल हो और भी कोई सरकारी दफ्तर हो, जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो रेट बल्कि बढ़ गया है, हकीकत यही है, लेकिन राजनीतिक दल इसे स्वीकार नहीं करेंगे। जिस राजनीतिक दल की सत्ता होती है वो कहता है कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और जो विपक्ष में होता है वो वार करते हैं। वैसे ही जैसे कि कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में हाथरस से लेकर लखीमपुर खीरी तक कुलाचे भरते हैं न्याय दिलाने के लिए, और राजस्थान में जब दलित मारा जाता है, जब पंडित को आग लगा के मारा जाता है तो वहाँ पर झांकने भी नहीं जाते हैं। यानी कि राजनीति का ये सगल बन गया है कि जहाँ सत्ता में है और यदि वहाँ पर कोई अपराध हो रहा हो, बड़ी घटना हो रही है, अन्याय हो रहा हो, तो भी आपको नहीं बोलना है। विपक्ष में है तो जितना लानत मलानत कर सकते हैं, जितना घेर सकते हैं घेरे, यानी कि ईमानदारी से व्यवस्था सुधारने की कोशिश नहीं है, सिर्फ सत्ता लपकने की जल्दीबाजी है। वही हाल इस मामले में भी हुआ, जैसे ही कि बेबी रानी मौर्य के जुबान से ये बात निकली, विरोधी जो है वार करने लगे, योगी से सवाल पूछने लगे। आपके नेता हैं संजय सिंह, वो उन्होंने इसको ट्वीट किया है और पूछा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बेबी रानी मौर्य ने बैठे बिठाए विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया, योगी को परेशान कर दिया, योगी से इसका जवाब नहीं बन पा रहा है कि अब क्या जवाब दे, और वो भी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, कोई छोटी मोटी नेता भी नहीं है। उनको इस्तीफा दिला कर लाया गया है, तब ये कयास लगाया गया था कि उत्तर प्रदेश से उनको चुनाव लड़ा जाएगा। क्या सोच के उन्होंने कहा, जो भी कहा, लेकिन योगी जी अब इस मुद्दे पर घिर रहे हैं। लखीमपुर खीरी घटना पहले से ही उनके लिए भारी पड़ रही है, और ऐसे ही 2-4 नेताओं ने बयान दे दिया तो और भारी पड़ेगा। उधर विपक्ष जो है एका में लगा हुआ, जिस तरीके से अखिलेश यादव और सुभाषपा के ओपी राजभर ने हाथ मिलाया है और छोटे छोटे दलों को उसमें जोड़ा जा रहा है, निश्चित रूप से उसका मकसद जो है बीजेपी को घेरना है। तो देखते हैं राजनीति कहां तक ये जाती है और भी कौन कौन से बयानबाजी होती है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।